हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम इंडिया जीके की क्लास में लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये वीडियो 6 नंबर वीडियो है, 5 इससे पहले आ चुकी हैं। इसमें आगे के जो प्रश्न हैं वो लेकर के आए हैं इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो SSC UPSC HSSC जिसमें भी इंडिया जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सैल उद्यान किसने बनाया था? किसने बनाया था? नेक चंद्र ने। रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का, रॉक गार्डन जो रॉक गार्डन है वो किसने बनाया था? नेक चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला है दोस्तों, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी? कौन सा शहर है? काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? कहाँ पर? मिस्र में। नेक्स्ट, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऊँट को। ये तो हम बचपन से पढ़ कर गए हैं, रेगिस्तान का जहाज ऊँट। नेक्स्ट है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई क्या होती है? कितनी? 1 मीटर। गेज जो रेल पथ के मीटर गेज है उसकी होती है 1 मीटर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? देश है रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसका सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। सबसे लंबाई में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? एवरेस्ट पर्वत शिखर है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भारत स्वतंत्र रूप से अपनी गणना में आ गया था उस टाइम पे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नोरगे। नेक्स्ट है, कारगिल कस्बा किस राज्य में? किसमें है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में कहा है? कारगिल कस्बा। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? किससे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। नेक्स्ट है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? किसने की थी? अकबर ने। किसकी धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। नेक्स्ट है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। साइबेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह, जो ब्रिटिश सेना थी इसमें भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, वो 1857 की क्रांति थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वर्त है भूमध्य रेखा, कौन सा वर्त है? भूमध्य रेखा का। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय नेता को लौह पुरुष किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका 31 अक्टूबर को अपने भारत की सबसे बड़ा स्टैचू का भी उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसका उद्घाटन भी करेंगे, जो सबसे लंबा स्टैचू बनेगा किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल या सैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? किसकी? स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट है दोस्तों, माओ तंग से तुंग संबंधित है किससे? चीन से। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर में है? अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उद्गरण सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? किसने? अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये बात कि सरकार है जो जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाने वाली सरकार है, वो किसका उद्गरण है? अब्राहम लिंकन का। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच।
नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है, जीटी रोड है। नेक्स्ट है भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है कौन सा, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल है। नेक्स्ट है चाचा जी के नाम से जाने जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो चाचा जी के नाम से क्या थे, प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी पिंक सिटी जिसे बोलते हैं, क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। नेक्स्ट है दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है ये, सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, तो किससे हैं, बिहार से। नेक्स्ट है दोस्तों अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो किसके लिए है, ताले बनाने के लिए, जो ताले बंद करते हैं मकानों के लिए किसी के लिए, उसके लिए ताले बनाने के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध। नेक्स्ट है दोस्तों किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो कितने ग्रह हमारे परिवार में, सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है ये, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो सिख धर्म के लोग। नेक्स्ट है दोस्तों शाहनामा किसकी करती है, तो शाहनामा करती है दोस्तों फिरदौसी की। नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल। नेक्स्ट है दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों को से कब आज़ाद करवाया गया, 1964 में। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, तो किस में है ये, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये चल रहे हैं इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, UPSC RPSC HPSC किसी भी एग्जाम में आप देंगे, SSC में देंगे, पूछे जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, गोदावरी। नेक्स्ट है दोस्तों किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, बरौनी में। नेक्स्ट है दोस्तों किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं, छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है, अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तात्या टोपे की सहायता से। नेक्स्ट है दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई, रंगून में। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, AO हूम। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है दोस्तों चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, ग्रामीण स्वायत्तता। नेक्स्ट है दोस्तों रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, सहतूत की पत्ती। नेक्स्ट है दोस्तों किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है दोस्तों किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, लोथल में। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है चीन असम के किस दिशा में स्थित है, उत्तर में। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, कौन सी, असम। नेक्स्ट है कंचन गंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मालीगांव में। नेक्स्ट है दोस्तों घरेलू उपयोग में पाई जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है, सुक्रोज। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, दादा साहेब फाल्के, जो प्रथम फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, फरुखुद्दीन अली अहमद, जो असम के थे और भारत के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक किस हैं, लियो टॉलस्टॉय, जो वॉर एंड पीस एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति किसने लिखा है, प्रदीप ने, काफी प्रसिद्ध गीत रहा हुआ, ए मेरे वतन के लोगों जर आंख में भर लो पानी।
इसके लेखक कौन है? प्रदीप। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। इसके लिए दोस्तों मैंने ये जो मापने के यंत्र हैं इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बड़ी अच्छी वीडियो है 4 या 5 मिनट की, आप उसको देखिए। मैंने उसमें लिखा हुआ है कविता के माध्यम से साइंस पढ़ना, उस टाइप की वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो, आप उसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट है अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? दोस्तों अमीबा में एक। नेक्स्ट है दोस्तों नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल है जो उसको शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियोन। जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसे हम फ्रिज बोलते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रियोन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे.जे. थॉमसन। मैंने इसके लिए आपको बताई है ईटा पर नाच, इसके लिए ट्रिक्स है दोस्तों ईटा पर नाच ट्रिक से, ये तीनों जाएंगे आपको फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पै प्रोटोन, रे से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, चै से चैडविक। इनके खोजकर्ता पहला नाम है ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पर इसकी खोज इलेक्ट्रॉन के थॉमसन थॉमसन हो गया, पै प्रोटोन से रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन से चैडविक। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो किस देश का लिखा है? बांग्लादेश का। जो हमारे राष्ट्रीय गान है वंदे वो सॉरी जनगणमन अधिनायक जो राष्ट्रीय गान है उसके उसने किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्हीं ने बांग्लादेश का भी क्या लिखा है? राष्ट्रीय गान लिखा है। और हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। उसके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है दोस्तों हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के। जो नाइक्रोम धातु है उसके हीटर के तार बने हुए होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका क्या होता है? भार है, वजन है, वो बढ़ता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली असम के किस जिले में है? तो पातालपुरी जिले में। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो किस में होती है? स्टील में होती है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम है भविष्य की धातु के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर है, जो स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स उद दिन इल्तुतमिश। जो दिल्ली की सुल्तान थी रजिया सुल्तान वो किसकी पुत्री थी? शम्स उद दिन इल्तुतमिश इसकी पुत्री थी। नेक्स्ट है दोस्तों मंदिरों की पुण्यतिथि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो YB चौहान थे, जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को। तो दोस्तों ये थे इंडिया जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर वीडियो के साथ आपको बताए गए हैं, जो आपकी हर प्रकार की SSC से लेकर के UPSC तक की आपको एग्जाम में तैयारी में बहुत काम आएंगे। इसके लिए आपने अभी तक चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो स्टडी से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। किसी भी सहायता और सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों, मैं गौरव मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।